ये देखो ये लड़का ऑलवेज इसे बकरी बन करने होते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल टॉय लिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बकल्स खुलबन कर सके और वो इसमें बहुत ही अच्छे से एंगेज रहता है, क्योंकि एवरी टाइम जिसे जब भी मैं इसको मैं स्ट्रॉलर में से उतारूँ, कार सीट में से उतारूँ, उसे बंद ही करना होता है। अभी वही लगा पड़ा है आरुष, चलो उसे निकालना पड़ेगा। एंड यस, वेलकम बैक टू आजीवन। आप लोग को वेलकम करना भूल गई। सो यस, वेलकम बैक टू आजीवन। हैप्पी संडे एंड हैप्पी वीकेंड। कल हम लोग बाहर गए थे, आप लोग ने देख ही लिया होगा, बहुत ही मस्ती की थी। अगर आप लोग ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। सो प्लीज़ जाके देखिए। नेमिश ने भी अभी अभी देखा, क्योंकि कल क्या होता पता है, कल हम लोग लेट आए वहाँ से, फिर नेमिश का एक इंपॉर्टेंट कॉल था 10:30 बजे, तो मैं आरुष को सुलाने ले गई और मैंने सोचा उसको सुलाने के बाद नेमिश का कॉल ख़त्म हो जाएगा तो आके मैं एडिटिंग कर दूंगी और अपलोड कर दूंगी। तो नेमिश और मेरे को तो नींद आ गई थी फिर सुलाने के बाद, तो नेमिश मेरे को बुलाने भी नहीं आए, खुद अपना वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है। क्या कर रहे थे? मूवी देख रहे थे तुम? बोलो। मैं वेट कर रही थी कि नेमिश मुझे बुलाने आएंगे, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी, उसका इंपॉर्टेंट कॉल था, तो वो आया ही नहीं। और मैं 10:30 की गई थी और वो मुझे 12:30 को उठाने आए, क्योंकि तेरे को वीडियो अपलोड नहीं करना है। फिर वो जनाब तो मेरे को उठा के सो गए और मैं लगी पड़ी थी 2 बजे तक, इसलिए कल का वीडियो लेट आया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, है ना आरुष? आली से हाय। आरुष से हाय। हाय। ये देखो ये आरू हमारा वापस यहीं पे रुक गया है। हम लोग को वहाँ पे झूले के पास जाना था, वो दिख रहा है वहाँ पे झूले वगैरह है, और ये हम लोग वहाँ से आए पूरा यहाँ पे और ये वापस यहाँ पे रुक गया। और पता ये पेड़ और ये पेड़ जो तीनों सेम वाले पेड़ है ना, उसमें बहुत ही अच्छा फॉल कलर आता है। फॉल कलर मैंने आप लोग को बोला था ना कि सीजन जैसे कम होगी ना, ये गर्मी जैसे कम होगी और ठंडा जैसे शुरू होने को आएगा ना, वैसे ये सारे ग्रीन पत्ते पहले ऑरेंज में आएंगे, फिर रेड में आएंगे, फिर ब्राउन बनेंगे और फिर जड़ जाएंगे, तो उसको फॉल कलर बोलते हैं। और वो बहुत ही प्यारा लगता है वो सीज़न में, ठंडी वाली सीज़न में। तो 1.5 साल पहले, डेढ़ ही जब आरू बोर्न हुआ ना, उससे पहले जब मैं 8 महीना प्रेग्नेंट थी, तब मैंने अपना मेटर्निटी फ़ोटोशूट किया था और वो बहुत ही प्यारे उसमें फ़ोटोज़ आए थे। थैंक्स टू अंजलि एंड प्रमोद, दोनों के एफर्ट्स बहुत थे मेरे फ़ोटोज़ के पीछे और टचवुड वो फ़ोटो बहुत ही अच्छे थे। और आप लोग ने अगर वो फोटोज़ नहीं देखे और आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने वो अपलोड किए थे करीबन नवंबर 2019 में, और आई डोंट नो आरुष बोर्न हुआ उसके बाद मैंने पोस्ट किया था, पर मैंने किया था इंस्टाग्राम में। तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए और मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड रील्स अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोग भी वहाँ पे भी एंटरटेन हो पाए और वहाँ पे मेरी डेली लाइफ रहती, मतलब मैं वहाँ पे, यहाँ पे भी है वैसे, आप लोग डेली वीडियोज़ देखते हो मेरे, पर वहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ रहते हैं अच्छे वाले मेरे ख्याल से, और आप लोग को देखना अच्छा लगेगा। सो मेरे को फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाके मेरे को फॉलो कीजिए। मेरा आईडी है IG1_। अभी है ना शाम के बजने वाले 6 और मेरे घर पे आने वाले गेस्ट, तो उसे मैं खिलाने वाली हूँ टोस्टा डास। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रेसिपी शूट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि आर उस सेम टाइम मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि वो सो नहीं रहा था, वो 4 बजे सोया और मैं इतना हेक्टिक था मेरा आज का, वो सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने जैसे जैसे टाइम मिले ना वैसे प्रिपेयर कर दिया। तो ये है इंग्रीडियंट्स हमारे, ये है सालसा, ये गुआकामोले, ये है बीन्स, ये हमारा सालसा एंड ये हमारी थुर्ता टोस्टाडा, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मतलब बिना रेसिपी का। पर ये था सामान, उसे हम असेंबल करके टोस्टाडास बनाते हैं और वो बहुत यम्मी बनते हैं। आई होप मैं फ्यूचर में जल्दी ही आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि वो बहुत ही सही रहता है। मुझे एक्चुअली करना था और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग आज कल रात को लेट आए, लेट तो नहीं 10 बजे तक आ गए थे, पर मेरे को वीडियो एडिट करते करते 2 बज गया। आप लोग ने देखा होगा कि कल का वीडियो बहुत लेट आया था, तो फिर सुबह लेट उठे, फिर हम लोग लेक पे गए, हर को सुलाया, 3 बार सुलाने गई पर नहीं सोया, फिर आखिर में 4 बजे जाके वो सोया। सोया अब
में जाके फ्री हुई हूँ अभी 10 मिनट में गेस्ट आएंगे।